हाय एवरीवन, मैं ऋचा गिरी। इस वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, क्या क्या एरर होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे पढ़ने के बाद हम प्रोनाउन रिलेटेड जो भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो हम ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे देखेंगे कि क्या टाइप्स हैं और उसके टाइप्स को हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है किसी भी सेंटेंस में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है, वो बस नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो हम बेकार का ही प्रोनाउन यूज करते हैं, हम नाउन से भी काम चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोनाउन के कारण कोई भी सेंटेंस गुड साउंड करता है। प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को डिस्कार्ड करता है। अगर एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ तो वो सेंटेंस ऑकवर्ड साउंड करेगा, बैड साउंड करेगा। इसलिए इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं राम का। अगर हमें राम के बारे में बताना हो तो हम कहेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम्स फादर नेम इज मिस्टर श्याम उपाध्याय, राम्स मदर नेम इज मिसेस श्यामा उपाध्याय, राम लिव्स इन दिल्ली। तो हर जगह हम राम यूज कर रहे हैं। इस राम को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से। राम इज अ नाउन और इसे हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे ताकि जो सेंटेंस है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वो साउंड गुड करे। जैसे पहला सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय, दूसरे जगह हम राम ना यूज करके प्रोनाउन यूज करेंगे। हिज फादर्स नेम इज श्याम उपाध्याय, हिज मदर्स नेम इज मिसेस श्यामा उपाध्याय, ही लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडीज इन बाल भारती पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे नाउन राम को रिप्लेस किया गया है प्रोनाउन से। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, जैसा कि हमने देखा, दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। टाइप्स हैं इसके पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन्स हैं, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि पर्सन्स के नेम के जगह पे यूज किया जाता है। ये थ्री काइंड्स का होता है, थ्री टाइप्स के होता है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन जो कि किसी सब्जेक्ट के प्लेस में आता है उसे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये वो प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अगर नाउन है तो उसको रिप्लेस करके ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ये हो गया मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि ये बताता है कि ये कोई चीज किसकी बिलोंगिंग्स है, किसका पोजेशन है, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स। हम एग्जाम्पल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी बुक। यहाँ आई क्या है, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, बट पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा टाइप है, तो ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि आई सब्जेक्ट के जगह पे आया है। दे टॉक टू मी इन द प्ले ग्राउंड, सेकेंड एग्जाम्पल में हम दे देखेंगे, दे इज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, दे टॉक टू मी इन द प्ले ग्राउंड। क्या यहाँ पे एक और पर्सनल प्रोनाउन है और वो कौन सा है, मी इज अ पर्सनल प्रोनाउन बट इसका टाइप क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो आप नाउन वाले वीडियो में देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। प्लस मैंने क्लॉजेज और फ्रेजेज वाले वीडियो में भी बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, वी इंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल, वी सब्जेक्ट की जगह पे आया है और प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, मी इज अ पर्सनल प्रोनाउन एंड मी इज अ
ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है, गो टॉक टू हर, यहाँ पे हर इज अ पर्सनल प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, डोंट लुक एट देम, देम इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, माइन, माइन क्या है, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ से माइन से क्या पता चल रहा है कि ये बुक किसका है, ये बुक मेरा है, यहाँ पे माइन पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन हुआ, इट्स आवर्स, ये किसका है, यहाँ आवर्स इज अ पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन, दोज क्लॉथ्स आर योर्स, ये क्लॉथ्स आपका है, तो ये भी पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन साउंड कर रहा है। हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, जो कि हम जनरली करते हैं या हमें उससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जैसे पहला दो अगर हम स्टेटमेंट देखें, पहला दो सेंटेंस देखें, मधु एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग, दूसरा आई एंड मधु वेंट फॉर शॉपिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, थोड़ा सा आप सोचिए वीडियो पॉज करके। अगर आप सोच रहे हैं मधु एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, देन यू आर राइट। इफ यू आर थिंकिंग आई एंड मधु वेंट फॉर शॉपिंग, देन यू आर रॉन्ग। ये इसलिए रॉन्ग हुआ सिंपली क्योंकि रिस्पेक्टफुली हम ग्रामर में दूसरे को पहले लिखते हैं रादर खुद को, तो यहाँ मधु इज अनदर पर्सन, तो इसलिए हमने मधु को पहले लिखा और आई को हमने बाद में डाला, हम कभी भी खुद को पहले नहीं रखेंगे, ये ग्रामेटिकल करेक्ट है। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें, थर्ड एंड फोर्थ, टीचर गेव चॉकलेट टू मी एंड मधु, टीचर गेव चॉकलेट टू मधु एंड मी, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही होगा? आई थिंक दिस टाइम यू आर राइट, यहां पे टीचर गेव चॉकलेट टू मी एंड मधु इज अ रॉन्ग वन, क्योंकि यहाँ हमने मी पहले रखा है अपने आप को और मधु को बाद में, बट हमने सेकेंड सेंटेंस में मधु को पहले रखा है और खुद को बाद में, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा ग्रामेटिकली सेम लॉजिक के थ्रू। यहाँ क्या हम मी की जगह आई डाल सकते हैं या फिर यहाँ मी की जगह आई डाल सकते हैं या आई की जगह यहाँ मी डाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम आई इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आई इज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और यहाँ मधु एंड आई बोथ आर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने मी इसलिए डाला क्योंकि मी इज अ ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, तो मी को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे डालेंगे और यहाँ पे ये सेंटेंस में मधु एंड मी बोथ प्लेज अ रोल एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई की जगह मी नहीं होगा और यहाँ पे मी की जगह आई नहीं होगा। हम लास्ट टू सेंटेंसेस देख लेते हैं, ये भी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज हर्स, दोनों में हर्स है बट एक जगह एपोस्ट्रॉफी लगा है, एक जगह नहीं लगा है। यहाँ पे भी दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स, दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स, तो दोनों में से क्या करेक्ट होगा? दिस बुक इज हर्स, जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन तो हम एपोस्ट्रॉपी नहीं डालेंगे, हम बिना एपोस्ट्रॉपी के करेंगे तो वो करेक्ट होगा हमारा, ये करेक्ट है, एपोस्ट्रॉपी वाला रॉन्ग है। तो जो भी पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉपी वाला को गलत समझेंगे और जो एपोस्ट्रॉपी जिसमें नहीं है वो सही होगा, जैसे दिस बुक इज हर्स, दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स, बिना एपोस्ट्रॉपी वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये वो प्रोनाउन है जो कि प्रीवियसली मेंशन थिंग को रिप्रेजेंट करता है या फिर सराउंडिंग से अंडरस्टूड होता है या किसी कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टूड होता है, तो वो है दीज, दोज, दिस, दैट, और इसके अलावा और भी कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। अभी दीज, दोज, दिस, दैट जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर आता है उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे दीज आर अगली, तो हमने ऑलरेडी किसी चीज़ को देखा हुआ है, जैसे ग्रुप ऑफ बैट्स को देखा हुआ है, उसको हम कह रहे हैं दीज आर अगली। जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे दोज आर लवली, तो जैसे हम बहुत सारे फ्लावर्स को देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स, तो हम उसे कहेंगे पॉइंट आउट करके दोज आर लवली। या थर्ड एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे अगर हमने डर्टी वाटर देखा और कोई पीने की कोशिश कर रहा है तो हम कहेंगे डोंट ड्रिंक दिस, तो यहाँ पे दीज, दोज, दिस,
ये सारी चीजें प्रीवियसली मेंशन थिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। सिमिलरली दिस इज क्रेजी, अगर कोई क्रेजीली डांस कर रहा है या कोई कुछ काम कर रहा है क्रेजीली, तो हम लोग कहेंगे दिस इज क्रेजी। तो उस चीज को जो प्रीवियसली मेंशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। दोज बिलोंग्स टू सारा, कोई चीज है जैसे कोई बैंगल्स है या इयर रिंग्स है या पेंस है, पेन है, बंच ऑफ पेन्स है, तो हम कहेंगे दोज बिलोंग टू सारा, जो वो सारी चीजें हैं वो सारा को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ जो भी चीजें दी हुई हैं, दीज दोज दिस दैट, वो प्रीवियसली मेंशन थिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर। तो हमने जो पढ़ा दिस दैट दीज दोज, उसके अलावा सच नॉन नीदर, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिस दैट दीज दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ यूज होते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं नाउन का प्लेस लेता है, तो अगर कोई सेंटेंस में नाउन का प्लेस लेगा दिस दैट दीज दोज, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर वो नाउन को मॉडिफाई करेगा और उसके बाद नाउन आएगा, कोई नाउन वर्ड आएगा, तो हम समझेंगे कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इज दिस पेन योर और माइन, तो यहाँ दिस एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया, इसके बाद नाउन आया है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, डिड यू फाइनली थ्रो अवे दैट ओल्ड टी शर्ट, तो यहाँ पे दैट के बाद नाउन आया है टी शर्ट, यहाँ पे भी दीज के बाद फ्लावर आया है। तो जब भी एडजेक्टिव आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस फॉर्म में दिस दैट दीज दोज, तो उसके बाद नाउन आता है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब आएगा? वो नाउन का प्लेस लेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ये वो प्रोनाउन है जो कि एंड होता है सेल्फ से या सेल्फ से। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही सेम होता है। तो ये 9 टाइप्स के हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: माईसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ्स, योरसेल्फ्स, देमसेल्फ्स। कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। पहला, जैक डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिमसेल्फ विथ अ डिनर आउट, तो यहाँ जैक इज अ सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो हिमसेल्फ है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, तो यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खासियत है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ऑब्जेक्ट से, इसलिए इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो यहाँ आई और माई सेल्फ दोनों सेम है। सिंथिया पोर्स अ कप ऑफ टी फॉर हर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ सिंथिया और हर सेल्फ दोनों ही सेम पर्सन है। आई वॉश द कार माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ और आई सेम है। यू आर टू यंग टू गो आउट बाई योर सेल्फ, तो यहाँ यू का ही रिफ्लेक्शन है योर सेल्फ। तो यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे रिलेटेड हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। तो पहला, अगर हम देखेंगे दो सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ या देमसेल्फ, क्या होगा यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस सही होगा? क्या हम लिखते हैं देमसेल्फ या देमसेल्फ? तो अगर हम ध्यान से देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो हमारे केवल 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दैट इज माई सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. तो themselves नाम की कोई चीज नहीं है, themselves है। तो यहाँ पे themselves is a correct word, themselves कोई word नहीं है। Second हम देखेंगे, we will plan to build a house by ourselves, ourselves. Again यहाँ ourselves है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है और आवर सेल्स है जो कि होगा। ये वन ऑफ द 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से है। तो आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स ये होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, शी ब्रॉट हर सेल्फ या हर सेल्फ,
तो हरसेल्फ नहीं है कहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, हरसेल्फ है, हरसेल्फ होगा। सिमिलरली हम फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे हिमसेल्फ और हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ, हिमसेल्फ होता है, तो हिमसेल्फ इज अ करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम्पल्स हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्फ्स है, योर सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ्स है, देम सेल्फ नहीं होगा। कुछ और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे रिलेटेड हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम्स में। तो ये है आनंद एंड माई सेल्फ स्लैश आई विल कंडक्ट टूडेज मीटिंग। तो यहाँ आप बताओ क्या होगा, माई सेल्फ स्लैश आई, ये दोनों में से क्या होगा, माई सेल्फ होगा या आई होगा, आनंद एंड माई सेल्फ। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि माई सेल्फ तभी होगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होगा। यहाँ सब्जेक्ट अलग है, आनंद है, और यहाँ माई सेल्फ मतलब कोई बंदा है जो कि आनंद के बारे में बता रहा है और खुद के बारे में बता रहा है कि वो लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे। तो माई सेल्फ ऑब्वियसली कोई दूसरा पर्सन होगा, तो यहाँ पे हम आई करेंगे। और इससे पहले जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पे पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन में था कि सब्जेक्ट की जगह पे आई होगा। तो यहाँ पे आनंद और आई, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट है और आनंद को हमने पहले रखा, आनंद इज अ सेकेंड पर्सन, तो आनंद को हमने पहले रखा और खुद को बाद में, एंड आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ आई इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू मे सबमिट योर एक्सपेंसेस टू मी स्लैश माई सेल्फ बिफोर फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या होगा, मी होगा या माई सेल्फ होगा। तो यहाँ पे यू और माई सेल्फ दोनों ही डिफरेंट पर्सन है, तो डेफिनेटली माई सेल्फ तो नहीं होगा, और मी इसलिए भी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है हमें, हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है जो कि मी होगा। यहाँ पे आई भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे मी होगा और माई सेल्फ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेंटेंस ये करेक्ट होगा, यू मे सबमिट योर एक्सपेंसेस टू मी बिफोर फ्राइडे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई छोटा बड़ा डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट देख लेते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जब हम किसी पीपल, थिंग या किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं बिना उसका एग्जैक्ट रेफरेंस दिए हुए या बिना एग्जैक्टली उसे जाने हुए, मतलब कोई पर्टिकुलर पीपल या कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे समबडी हुआ, समवन हुआ, नोबडी, नो वन, तो बडी और वन पीपल के लिए यूज़ होता है, और थिंग्स के लिए थिंग यूज़ होता है, जैसे समथिंग, नथिंग एट्सेट्रा या एवरीथिंग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे एवरीबडी इंजॉयड द कंसर्ट, तो यहाँ एवरीबडी बोला गया है, एवरीबडी कंसर्ट को इंजॉय किए, यहाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, बट हम पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, पीपल के बारे में बोल रहे हैं, तो एवरीबडी यहाँ पे मेंशन है, मतलब सारे लोग। आई ओपन द डोर बट देर वॉज नो वन एट होम, यहाँ जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो नो वन है। थर्ड हम एग्जाम्पल देखेंगे, इट वॉज अ वेरी क्लियर डे, We could see everything. तो ये everything things के लिए use हुआ है। इसके अलावा body one thing के अलावा हम use करते हैं each, either, neither for indefinite pronoun. और indefinite pronoun में ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे singular verb use होता है। तो हम examples में देखेंगे और कुछ हम common mistakes देखेंगे जो कि हम indefinite pronouns के साथ देखते हैं और जो कि हम करते हैं और हमारा मार्क्स कट जाता है, तो इसको अवॉइड हम कैसे करें ये हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एवरीवन सेज से शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ पे एवरीवन इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो एवरीवन के साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब है, सेज या से, सेज इज अ सिंगुलर वर्ब। जैसे हम ही के साथ सेज लगाते हैं, बट प्लूरल दे के साथ से लगाएंगे, यहाँ पे एवरीवन इज अ सिंगुलर
लाइक ही शी, तो यहाँ हम सेज लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज वर रेडी फॉर द पार्टी, तो जैसा कि हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो यहाँ पे वॉज होगा। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे नो वन वॉन्ट टू हियर अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम, तो यहाँ वॉन्ट या वॉन्ट्स लगेगा, वॉन्ट लगेगा। ईदर चॉइस हैज हैव इट्स एडवांटेजेस, तो ईदर इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। यहाँ पे वॉन्ट्स नो वन के लिए लगा था, नो वन इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा था वॉन्ट्स। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं नो वन नोज, नो डेफिनेटली यहाँ पे नोज होगा, नो वन के साथ नो वन इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। नीदर वन ऑफ द टू चिल्ड्रन सीम्स सीम कंसर्न्ड अबाउट द ओल्ड फादर, तो नीदर इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, नीदर के साथ क्या लगेगा, सीम्स। और उसके अलावा ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अलावा एक और चीज हम बोलते हैं, जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स या वन ऑफ माय ब्रदर्स एटसेट्रा, तो ये सब हम यूज करते हैं, या वन ऑफ माय एम्प्लॉईज। तो वन ऑफ जो हम यूज करते हैं इसका मतलब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं बट हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, दैट इज हैज। कुछ और इंटरेस्टिंग बात या फैक्ट्स जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो ऐसे तो हम कहते हैं कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, बट जब ये प्रोनाउन सेकेंड लाइन में आता है तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं उस प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल देख लेंगे, एवरीबडी इंजॉयड द कंसर्ट, तो ये पास्ट है इसलिए इंजॉयड है, अगर प्रेजेंट होता तो इंजॉयज होता, इंजॉय नहीं होता, इंजॉयज होता है। एवरीबडी इंजॉयड द कंसर्ट, और दूसरी लाइन है दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड, तो यहाँ पे एवरीबडी के जगह जब ये वापस से आया है दूसरे सेंटेंस में ये वर्ड, तो यहाँ दे यूज किया गया है, दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज किया गया। सेकेंड हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल टेल समबडी दैट डिनर इज रेडी, अब यहाँ पे बोला गया है आई विल टेल समबडी दैट डिनर इज रेडी, एंड नाउ दे किसके लिए यूज हुआ है, समबडी के जगह पे दे, तो यहाँ पे समबडी इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जब रेफर बैक हो रहा है दूसरे सेंटेंस में, दूसरे स्टेटमेंट में, तो वहां पे प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, दे हैव बीन वेटिंग अ लॉन्ग टाइम। तो हम ये कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर रिफर बैक करता है दूसरे सेंटेंस में यूज होता है फर्स्ट सेंटेंस के बाद, तो वो प्लूरल प्रोनाउन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट है, इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या है। इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि नेम से मेंशन है, ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोग्रेटिव प्रोनाउन बहुत सारे हैं जिसके हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। यहाँ पे हु और होम पीपल के लिए रेफर किया जाता है, इसके अलावा जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जैसे व्हाट, विच, हूज एटसेट्रा, वो हम ऑब्जेक्ट और पीपल दोनों के लिए यूज करते हैं। जो भी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले होते हैं वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है क्योंकि वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट, व्हाट किसके लिए यूज होता है, व्हाट पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है, हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, तो यहाँ व्हाट यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, डिनर के लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए नहीं। सेकेंड में व्हाट यूज हुआ है, पीपल के लिए, व्हाट इज योर मदर्स नेम। दूसरा विच, विच किसके लिए यूज हुआ है, जब हम क्वेश्चन करते हैं पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए, तो दोनों की जगह हम विच यूज कर सकते हैं, और विच जनरली तब यूज होता है जब हम ऑप्शंस देते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच फूड डू यू प्रेफर, तो यहाँ फूड के ऑप्शंस हैं इसलिए हमने विच यूज किया, विच फूड डू यू प्रेफर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए विच यूज हुआ है। सेकेंड में, विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर, यहाँ पे पीपल के लिए यूज हुआ है विच। थर्ड एग्जाम्पल, विच टीम विल विन द मैच, तो यहाँ पे भी पीपल के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हु, तो हु किसके लिए यूज हुआ है, हु पीपल के लिए यूज हुआ है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं पीपल के बारे में तो हम हु यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हु इज दैट, वो कौन है, मतलब यहाँ हम किसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं, हु इज दैट,
हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे भी हम किसी पर्सन पीपल को रेफर कर रहे हैं. हु इज रेडी टू डू दिस, यहाँ पे भी हम पीपल पर्सन को रेफर कर रहे हैं. होम, होम किसके लिए यूज होता है, तो होम जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो होम भी पीपल के लिए यूज होता है. ये काफी रेयरली सीन है इन दिनों, बट हम यूज करते हैं और हम पीपल के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, होम डू यू मीट टूमोरो, यू शेयर्ड योर लंच विथ होम. तो यहाँ पे दोनों होम है वो पीपल के लिए यूज हुआ है. तो हु और होम दोनों पीपल के लिए यूज होता है. इसके अलावा जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज. हुज हम पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करते हैं. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं पीपल या ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम हुज यूज करते हैं. और इसका रिलेशन पोजेशन से है, किसी चीज की बिलोंगिंग से है. जैसे वो सामान किसका है या वो फ्रेंड्स किसके हैं, वो किसके फादर है, वो किसके मदर है, उसके लिए हम हुज यूज करते हैं. जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, हुज पेन इज दिस, हुज फ्रेंड आर दोज, हुज कैप इज दिस, तो यहाँ पे हुज पोजेशन से रिलेटेड है. यहाँ पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जा रहा है क्वेश्चंस में. और जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हम हमेशा क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. आई एम श्योर जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.